ओके हेलो ऑल वंस अगेन वेलकम टू अवर ओन टीबीटीसी चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इवेंट्स। लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रोबेबल आउटकम्स क्या होते हैं और उसके बाद हमने देखा था कि सैंपल सेट कैसे लिखा जाता है, राइट। तो अभी आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। देखो, एक आउटकम्स निकलते हैं कि जो एक सेटिस्फाई करते हैं पर्टिकुलर कंडीशन को, राइट। सपोज कोई कंडीशन दी है, राइट, इफ एनी आउटकम सेटिस्फाइज अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, राइट। यानी एक कंडीशन है कि मुझे हेड चाहिए और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और टॉस करने के बाद हेड आ गया तो क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम आ गया। आपने डाई फेंका, आपको सिक्स मांगता है, राइट, आपको सिक्स आने को चाहिए और आपको सिक्स आ गया तो वो क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। तो आपको समझ में आ गया कि एक आउटकम जो आपकी एक कंडीशन को, पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, राइट। अब देखो कि ऐसे जो फेवरेबल आउटकम्स है अगर वो किसी एक सेट में ले लेते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। यानी मुझे सिर्फ हेड वाले चाहिए या फर्स्ट कॉइन, दो कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग दो कॉइन टॉस करते हैं तो मुझे ऐसे ही आउटकम चाहिए जिसमें फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आए, वॉट एवर देयर विल बी ऑन द सेकेंड कॉइन, पहले कॉइन के ऊपर सिर्फ हेड आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। अब इसमें आपको चार ऑप्शंस आएंगे या दो ऑप्शंस मिलेंगे, हेड टेल हेड हेड, राइट, तीसरा आएगा टेल 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 हेड। तो दो उसके ऊपर नहीं आएगा, दो के ऊपर आएगा तो आपका इवेंट बनेगा दो, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट को अगर हम लोगों को डिफाइन करना है कि इवेंट क्या होता है, इवेंट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, क्या है ये, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन ऑफ अ गिवन सैंपल सेट। जो भी एक सैंपल सेट है उसका जो एक फेवरेबल आउटकम का जो सेट बनाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कॉल करेंगे इवेंट। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इवेंट। एंड इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ मेन सैंपल सेट। इवेंट क्या होता है, सैंपल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी इसमें और कुछ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जैसी है, वो है कि टाइप ऑफ इवेंट कौन से रहते हैं, राइट। सो अगर मैं टाइप्स लूँ, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कौन से टाइप के आपको इवेंट्स यहाँ पे देखने हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ अगर इवेंट हम लोग लेते हैं तो पहला होता है कि सर्टन इवेंट, राइट, कोई इवेंट रहते जो सर्टन रहते हैं, सर्टन इवेंट, और उसको बोलते हैं कि श्योर, हेड और टेल में से हेड आना है तो वो क्या हो गया, दैट इज अ श्योर इवेंट हो गया। दूसरा टाइप ऑफ इवेंट क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है इम्पॉसिबल, जो कि होगा ही नहीं, नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो कि होगा ही नहीं ऐसा इवेंट। तीसरा क्या हो सकता है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। दिस इज़ फॉर यू मोर इन्फॉर्मेशन, इसमें हमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, ज़्यादा इसको समझ के भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ आएगा आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कोई भी एक इवेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट, अगर हेड हेड है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा वो देखेंगे। फिफ्थ क्या है आपका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आएंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड सिक्स्थ आपका आएगा, सिक्स्थ जो इवेंट रहेगा वो रहेगा एग्जॉस्टिव इवेंट,
अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स है, इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दो तीन इवेंट्स आपको एक्सप्लेन करके दे दिए हैं। जस्ट रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ इवेंट्स है, बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वहाँ पे अगर कुछ ज़रूरत होगी तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा, बट राइट नाउ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट की तरफ, सॉरी प्रैक्टिस सेट की तरफ। सो आ गए हम लोग प्रैक्टिस सेट के ऊपर और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट राइट द सैम्पल सेट एस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, ऑल्सो राइट्स द इवेंट ए बी सी एंड द नंबर ऑफ ए एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी, इसकी भी वैल्यू लिखनी है। अब देखो इसमें क्या है कि दे विल गिव अ कंडीशन, एक आउटकम के लिए, एक फेवरेबल आउटकम के लिए और एक सैम्पल सेट बनाने के लिए एक कंडीशन देंगे। जैसे यहाँ पे दिए वन डाई इज रोल्ड, उसके ऊपर पहला इवेंट क्या दिया उन्होंने, इवन नंबर इज ऑन द अपर फेस, तो अपर फेस जो आएगी उसके ऊपर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जो हम लोग डाई थ्रो करेंगे, ये जो डाई आपने थ्रो किया है उसके बाद जब गिनने के बाद ऊपर जो आएगा वहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ इवन नंबर आनी चाहिए, राइट। दूसरा इवेंट क्या बोला है, वहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर आने चाहिए, राइट। और तीसरा दिया है वहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए, क्लियर। तो ये तीन अलग अलग इवेंट है, तो सबसे पहले तो एक डाई थ्रो करने के बाद जो सैंपल सेट बनता है हमें वो लिखना पड़ेगा कि आपका सैंपल सेट क्या आएगा, उसके बाद तो बाकी के इवेंट्स लिखेंगे हम लोग, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि सैंपल सेट एस, राइट। तो दिया क्या है, वन डाई इज रोल्ड, ये आपको दिया गया है, राइट। तो इसका सैंपल सेट क्या आएगा, देयरफॉर S इज इक्वल्स टू डाई के ऊपर क्या रहेगा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हो गया इसका सैम्पल सेट। एंड n ऑफ s क्या हो गया, n ऑफ s भी आ गया आपका सिक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वन, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब चलते हैं इवेंट्स की तरफ, अलग अलग इवेंट्स आपको पूछे गए हैं, राइट। सबसे पहले इवेंट ए था, क्या था इवेंट ए, इवेंट ए दिया था उन्होंने यहाँ पे, देखो इवन नंबर ऑन द अपर फेस क्या दिया था, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो ए जो सैंपल सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए जो सैंपल सेट बनेगा इवन नंबर, तो आउट ऑफ दिस टू फोर एंड सिक्स आर इवन नंबर, तो सैंपल सेट आएगा टू फोर और सिक्स का, बिकॉज ये सबसेट ऑफ एस, राइट। देयरफॉर एन ऑफ ए क्या हो गया आपका, थ्री। अब देखो ये हो गया पहला इवेंट, आपको दूसरा इवेंट क्या दिया था उन्होंने, दूसरा इवेंट दिया था इवेंट बी, राइट, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, राइट। सो बी क्या आया आपका, बी आ गया आपका वन, ऑड नंबर्स कौन से, वन थ्री एंड फाइव, सो वन थ्री एंड फाइव, राइट। देयरफॉर एन ऑफ बी क्या है आपका, एन ऑफ बी भी आ गया आपका थ्री। तीसरा इवेंट क्या उन्होंने पूछा, इवेंट सी था प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, राइट। इवेंट सी था प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, राइट। तो सी इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर, लिखो कौन सा है, क्या आप वन को प्राइम नंबर कंसिडर करते हो, नहीं, राइट। तो टू थ्री एंड फाइव, देयरफॉर एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू थ्री, दिस इज द आंसर, दैट्स इट, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ओके। अभी जो इन्होंने जो नंबर दो का क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है कि एट अ टाइम इन्होंने टू डायस रोल किए हैं साइमल्टेनियसली, राइट, वन और टू, टू डायस रोल किए और उसमें इवेंट दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज सिक्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 10 एंड द सम ऑफ द सेम डिजिट्स ऑन द बोथ ऑफ द अपर फेसेस, यानी 1 1 2 2 3 3 ऐसे सेम आना चाहिए, पहले इसमें 6 आना चाहिए, तो 1 प्लस 5 2 प्लस 4 3 प्लस 3 5 प्लस 1, तो ये पैटर्न में आएंगे, राइट। तो देखते हैं अभी क्या क्या रहेगा और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या दिया है, द टू डायस हैव रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका आपको लिखना पड़ेगा सैंपल सेट, तो ये हो गया आपके सॉल्यूशन में, देयरफॉर सैंपल सेट एस इज इक्वल्स टू टू डायस है। तो भैया आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, तो सिंपल आप लिख दो इसको, कैसे लिखेंगे,
1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अब इसी के जैसे आप अप टू 6 लिखो, बिकॉज आपको पता है कि 2 डैश आ गए तो 36 हो जाता, तो ये हो गया 2, 1, ये हो गया 3, 1, ये हो गया 4, 1, ये हो गया 5, 1 एंड लास्ट हो गया 6, 1, कॉमा। तो आप अपने हिसाब से लिखो, तो 2, 3, 4, 5, 6, राइट, ये हो गया 6 तक। उसके बाद क्या आएगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 5, and 6, फिर आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, and 4, 6, क्लियर। उसके बाद आएगा आपका 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, ओके सॉरी यहाँ पे 1 रिपीट हो गया, तो 2, 3, 4, 5, and 6, देन लास्ट वाला 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, and 6, again आई रिपीटेड दिस वन, 2, 3, 4, 5, and 6, 6, क्लियर हो गया। सो दिस इज 6। सो ये बने आपके सैम्पल सेट और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज, क्लियर हो गया। दिस वन इज 5, 6, जस्ट बियर विद दैट मिस्टेक। तो एंड ऑफ एस आ गया आपका 36। तो ये आपने लिख दिया सैम्पल सेट और ये लिख दिया आपने ये, तो यहाँ पे आपका एक मार्क तो फिक्स हो गया। अब व्हाट वाज योर फर्स्ट इवेंट, उन्होंने क्या दिया था, इवेंट ए, राइट, इवेंट ए यहाँ पे उन्होंने दिया था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 6, राइट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 6। तो भैया इसमें 6 किसका किसका आएगा, चलो तो आपको पता है 1 में 1+5 आएगा और दो नहीं आएगा, 2 में 2+4 का सम आएगा, राइट, उसके बाद 3 में 3+3 आएगा, 4+4 आएगा, देन क्या आएगा, 5+1 आएगा। अब 6 के तो इसमें तो कोई नहीं मिलेगा इवेंट आपको जहाँ पे इसका सम आएगा, राइट। तो यहाँ पे ए जो इवेंट है ये क्या हो गया, तो ये बन गया आपका 1, 5, उसके बाद 2, 4, उसके बाद 3, 3, उसके बाद 4, 2, and 5, 1, दैट्स इट। 6, 0 तो ले नहीं सकते आप जिसका सम 6 तक है, क्लियर हो गया। तो हो गया इवेंट है। अब इवेंट बी क्या था, इवेंट बी था जिसका सम 10 हो, राइट, तो बी, ओके यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आ गया, एन ऑफ ए आ गया 1, 2, 3, 4, 5, एन ऑफ ए आ गया 5। अब इवेंट बी क्या हो गया, इवेंट बी हो गया आपका 10 आना चाहिए, राइट, 10 आना चाहिए, तो 10 किसका किसका आ रहा है, यहाँ पे आएगा क्या 6+1 नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या 5+3, 8, 6+3, 9, तो यहाँ तक तो नहीं आना है। अब ये वाली, सो 4+6, सो 6+4, 10, देन 5+5, 10, देन 6+4, राइट, तो पहले 4+6 एंड देन 6+4, तो बी क्या हो गया आपका, पहला आ गया आपका 4, 6, उसके बाद 5, 5 और उसके बाद 6, 4, तो ये इवेंट भले ही ये रिपीट हो रहा है 6+4 यानी 4+6 एंड 6+4, बट ये पहले डाई के ऊपर 4 आ गया, यहाँ पे पहले डाई के ऊपर 6 है, तो दोनों अलग अलग नंबर शो कर रहे हैं इसलिए हम रिपीट लेंगे। तो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना हो गया आपका, एन ऑफ बी हो गया आपका, इसको अलग कैसे लाइन में भी लिख सकते हैं, एन ऑफ बी कोस्ट आ गया 3। तो दो इवेंट हो गए, पहले इसमें 5 आ गया, दूसरे इसमें आ गया आपका 3, क्लियर। अब चलते लास्ट वाला, लास्ट वाला इवेंट क्या दिया उन्होंने, लास्ट वाला इवेंट दिया है उन्होंने कि क्या पूछा था, इवेंट सी इज द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, ओके, इवेंट सी सेम डिजिट वाला है, ठीक है बाकी लिख देना, तो सेम डिजिट वाला सी आ गया, तो सी में सेम डिजिट दैट इज 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 6, तो लिखो 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 6, तो एन ऑफ सी क्या हो गया
1, 2, 3, 4, 5, 6 देन ऑफ्स हो गया 6, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ईजी है, सबसे पहले तो बस ये लिखना, ये आ गया तो बाकी तो आप उसमें से मार्क करके लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, यहाँ पे जो दिया है कि अपर फेस में जो सम है दैट इज मल्टीपल ऑफ 6 है। ओके, आई वॉज सेइंग द सम इज 6 राइट। तो मैंने जो इवेंट आपको लिख के दिया था ये वाला था सिर्फ सम के लिए। अब अगर मल्टीपल के लिए लिखना है तो मैं इवेंट फिर से एक बार लिखता हूँ। ए इज योर इवेंट राइट, ए इज योर इवेंट जो आपका मल्टीपल के लिए आएगा राइट। तो अब मल्टीपल कौन से है, 6 के मल्टीपल तो ऑब्वियसली 4 तक के टेबल में कहाँ आएगा आपका 4 plus 2, तो ये एक आएगा आपका 4 दैट इज 6 1 6, ये एक मल्टीपल हो गया आपका। और कौन से मल्टीपल आएंगे, 6 1 6 दैट इज 4, 2 एक आ गया, और क्या आ गया आपका 1, 5 आ गया बिकॉज 6 1 6 तो 1, 5 आ गया। फिर आ गया 2, 4 ये भी मल्टीपल हो गया 6 1 6, 3, 3 ये भी हो गया, सो 5, 1 भी आएगा राइट, और आएगा 6, 6। तो अप्रोक्सीमेटली ये पूरे आ ही रहे बट इसमें एक ऐड होगा 6, 6 राइट। तो ये हो गया आपके 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6, 2 राइट। सो बिकॉज इसका जो सम है 6, 6 बिकॉज 6, 6 का सम क्या आएगा 6 plus 6, 12 राइट। तो एन ऑफ ए क्या हो गया आपका, एन ऑफ ए हो गया 6। तो ये एक छोटा सा वेरिएशन है बिकॉज इट इज मल्टीपल, तो ये एक ऐड हो गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने क्या पूछा है, देखो 3 कॉइन टॉस किए इन्होंने, कितने किए 3 कॉइन, और 3 इवेंट दिए टू गेट द लीस्ट ऑफ 2 हेड्स, देन टू गेट नो हेड, एंड थर्ड दिया उन्होंने टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। चलो पहले तो 3 कॉइन टॉस किए साइमल्टेनियसली, तो इसका जो सैंपल सेट बनेगा वो लिख लेते हैं राइट। तो 3 कॉइन्स का सैंपल सेट क्या आएगा भैया, तो देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू, सैंपल सेट इज इक्वल्स टू 3 कॉइन्स दिए, तो एच पहला बन गया, दूसरा H और बाद में मैंने चेंज किया, फिर HHT हो गया, अब बन गया तो तीनों में से एक हो गया। तो टोटल हमने देखा था ये 8 का था राइट, HHT हो गया तो पहला हो गया, तो पहले को अब T कर लेते हैं, दूसरा H, तीसरा H, पहला T रहेगा, दूसरा T रहेगा, तीसरा H हो गया, और क्या बन जाएगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब क्या रहेगा यहाँ पे THH, TTH, THT राइट, टी एच टी रह गया था, तो 3 और 3 6, एक तो आपका टी 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 तो आना ही है, तो टी पहली पाइन पे एच एच हो गया, टी सेकंड प्लस पे एच एच आ गया, गया टी सेकंड प्लस पे एच एच, टी फर्स्ट प्लस पे टी एच एच राइट, ये हो गया 2 टीस, सो टी टी एच TTH 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 रह गया था राइट। तो HTT आपका फाइनल हो गया, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राइट। तो N ऑफ S क्या हो गया आपका, N ऑफ S हो गया आपका 8, क्लियर हो गया, N ऑफ 8 हो गया आपका 8। अब इसको हम लोग अच्छे से इवेंट वाइज सॉल्व करते हैं। तो पहला इवेंट जो इन्होंने दिया था वो इवेंट इन्होंने दिया था आपको, क्या दिया था, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स राइट। तो इवेंट ए जो है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स राइट। तो ए इज इक्वल्स टू 2 हेड चाहिए मुझे, 2 हेड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं मुझे, लीस्ट बोला है तो 3 वाला भी ऐड होगा राइट, लीस्ट बोला है तो 3 वाला भी ऐड होगा राइट। तो ये 4 जगह है जहाँ पे मुझे 2 हेड मिल रहे हैं एटलीस्ट, तो 3 चलेगा लेकिन 1 नहीं चलेगा, क्लियर। तो क्या क्या हो गया, तो आपके जो बन गए वो बन गया, एक हो गया एच एच एच, दूसरा आ गया एच टी एच, तीसरा हो गया एच एच टी, एंड चौथा हो गया टी एच एच राइट। देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, एन ऑफ ए इक्वल्स टू आ गया 4, क्लियर हो गया। चलो अभी सेकेंड कंडीशन, इवेंट 2 की क्या कंडीशन थी, इवेंट 2 और कंडीशन 2 दैट इज बी, क्या दिया था इन्होंने, टू गेट नो हेड, टू गेट नो
हेड। अब पूरे इसमें हेड चाहिए नहीं, राइट, तो बी इज इक्वल्स टू पूरे इसमें हेड चाहिए नहीं, तो किस में रहेगा, टी टी टी, राइट, तो कंडीशन क्या आएगी, टी टी टी, टी 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 में हेड रहेगा ही नहीं, राइट, टी 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 में हेड रहेगा नहीं। देयरफॉर एन ऑफ बी क्या आएगा आपका, एन ऑफ बी आएगा 1, बिकॉज टी 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 में हेड रहेगा ही नहीं। और कंडीशन जो थर्ड दी थी, या इवेंट या कंडीशन जो भी है, जो थर्ड देन सी दिया था, उसमें क्या दिया था इन्होंने, इन्होंने दिया था टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, राइट, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, राइट, सो सी इज इक्वल्स टू सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए। अब यहाँ पे देखो सेकेंड कॉइन पे हेड कहाँ कहाँ पे है आपका, सेकेंड कॉइन पे हेड आपका है 1, 2, 3 और 4, राइट, तो लिखो चारों क्या क्या है, एच एच एच, उसके बाद आ गया एच एच टी, उसके बाद आ गया आपका टी एच एच, और लास्ट आ गया टी एच टी, राइट, तो ये चार मैंने लिख दिए। सो एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू आ गया 4, हो गया, एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, बस आपको ये अगर लिखना प्रॉपरली आ गया तो ये प्रॉब्लम्स इतने हार्ड नहीं जाएंगे, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, दैट इज़ अवर फोर्थ क्वेश्चन, क्या पूछा है इन्होंने, टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 and 5, ये जो 6 डिजिट्स इन्होंने दिए 0 से लेकर 5 तक, इनको यूज़ करके हमें टू डिजिट्स नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। पहली कंडीशन क्या है कि रिपीटेशन ही है, यानी आप 11, 22, 33, 44 और 55 ये नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते हो। सेकेंड थिंग, राइट, अब यहाँ पे आते हैं, चलो अगर मुझे एक टू डिजिट नंबर फॉर्म करना ही है, राइट, तो क्या मैं 0 को टेंस प्लेस पे ले सकता हूँ। अब ये 0, 1, ये टू डिजिट नंबर हो रहा है या 1 डिजिट नंबर हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ 1, तो टेंस प्लेस पे मैं 0 भी नहीं ले सकता हूँ, राइट, तो अब मेरा सैम्पल सेट क्या बनेगा, अगर मैं टू डिजिट नंबर को यूज़ करके बना रहा हूँ तो मेरा सैम्पल सेट क्या बनेगा, राइट, सो सैम्पल सेट एस इक्वल्स टू इन ब्रैकेट, तो पहला तो आप एक नंबर ले लो, दैट इज़ 1, उसके बाद 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, क्लियर हो गया। दूसरा ले लो 2, तो 2, 1, 2, 3, आप 2, 2 नहीं ले सकते हो, राइट, अब इसके बाद 1 यहाँ पे और एक नंबर आएगा, यहाँ पे और एक नंबर आएगा, वो रहेगा 1, 0, 10 से चालू होगा ना, 0 भी तो है, मैं भूल गया, अब यहाँ पे भी 20, तो 2, 0 भी आएगा, आई फॉरगेट दिस वन, राइट, 2, 3, 2, 4, 2, 5, उसके बाद 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 नहीं ले सकते, 3, 4, 3, 5, फिर 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं ले सकते, 4, 5, फिर 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, क्लियर हो गया, बाकी आप रिपीट नहीं कर सकते, करेक्ट, अब कितने नंबर्स बन गए, तो देयरफॉर कितने नंबर्स बन गए, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एन ऑफ एस कितना आ गया, सो 1, 2, 3, 4, 5, तो हर एक का 5 नंबर्स बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 5 20 5, एन ऑफ एस हो गया आपका 25, क्लियर हो गया। अब इवेंट क्या क्या इवेंट दिए देखो, यहाँ पे पहला इवेंट क्या दिया इन्होंने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, तो पहला इवेंट आपका बन गया, तो इवेंट ए है आपका द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, राइट, तो क्या है, ए इज इक्वल्स टू इसमें से आपको इवन नंबर, सो 10, 12, 14, राइट, 10, 12, 14, देन 20, 21, 20, 24, राइट, देन 30, 32, 34, देन 40, 42, 44 होगा क्या, नहीं होगा, राइट, देन 50, 52, 54, राइट, तो ये हो गए पूरे आपके इवेंट क्लोज, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, राइट, तो एन ऑफ ए कितना हो गया आपका, एन ऑफ ए हो गया आपका 13, राइट, इसी तरह से आपको बाकी के भी निकालने हैं। सेकंड कंडीशन क्या दी थी, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो इवेंट 2, यस, कंडीशन 2 क्या दी थी इन्होंने, तो यहाँ पे कंडीशंस लिखा है, चलो कंडीशंस, इवेंट 2 क्या था, इवेंट नहीं है एक्चुअली, कंडीशन है,
तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन टू लिखते हैं। कंडीशन बी क्या दिया इन्होंने, द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, तीन से डिवाइड होता भाई। कौन से होते हैं देखो, तीन से दस को जाता है क्या, नहीं जाता है, बारह को जाता है तो बारह हो गया, तेरह चौदह नहीं होता है, तो तीन का डबल तेरह बची, तीन का डबल पंद्रह, फिर अट्ठारह नहीं है, बीस में थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन राइट, थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन ज़ा थ्री टेन ज़ा थर्टी, थ्री एलेवन ज़ा थर्टी थ्री है नहीं यहाँ पे, थर्टी थ्री के बाद थर्टी सिक्स है नहीं यहाँ पे, फिर फोर्टी है क्या डिविजिबल, नहीं है, फोर्टी वन नहीं है, फोर्टी टू है, फोर्टी टू राइट, उसके बाद फोर्टी थ्री नहीं है, फोर्टी फाइव है राइट, उसके बाद फिफ्टी नहीं है, फिफ्टी वन है, उसके बाद फिफ्टी टू नहीं है, फिफ्टी थ्री नहीं है राइट, या है नहीं है राइट, उसके बाद आएगा फिफ्टी फोर होता है क्या, देखो फिफ्टी फोर होता है क्या, होता है राइट, तो लास्ट वाला आ गया फिफ्टी फोर। तो एन ऑफ बी कहाँ तक आ गया आपका, तो एन ऑफ बी हो गया आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, क्लियर हो गया, देयरफॉर एन ऑफ बी हो गया आपका नाइन तक। अब तीसरा जो इवेंट इन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर दैन फिफ्टी, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर दैन फिफ्टी, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करें राइट, तो फिफ्टी से ज़्यादा तो पूरे पाँच ही नंबर है हमें तो पता है राइट, तो कंडीशन सी क्या दिया है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। अभी ये जो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखना, उन्होंने बोला है ग्रेटर देन 50, तो भैया 50 ले सकते हो क्या आप, अब यहाँ देखो ये इतने नंबर्स है जो 50 से लेके 54 तक है, तो ग्रेटर देन 50 है, नॉट 50 बट इट शुड बी ग्रेटर देन 50 राइट, तो 51 52 53 54 क्या कहेंगे, 51 52 53 54, तो एन ऑफ सी क्या हो गया, एन ऑफ सी हो गया आपका 4, क्लियर, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि फ्रॉम थ्री मेन एंड टू वुमेन, देखो आपने एक पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने एक सॉल्व किया था, दो गर्ल्स और दो बॉयज़, वहाँ पे आपने G1 G2 B1 B2 और उन चारों से अगर एक जो थर्ड वाला जो उस एक्टिविटी की थी आपने, उसमें आपने लिया था B1 G1 B2 देन B2 G1 B2 G2 राइट, तो इस तरह से सैम्पल सेट किया था, तो वहाँ पे दो लड़के और दो लड़कियाँ थी, यहाँ पे कितने हैं, तीन लड़के और दो लड़कियाँ, ऐसा पकड़ के चलो राइट, तो यहाँ पे मेन एंड वुमेन है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, सैम्पल सेट हम लोग बना लेंगे इसका, और इसके इवेंट्स भी दिए हैं, और इन्होंने जो एनवायरमेंटल कमेटी बनाई है वो टू पर्सन की बनाई है, कितने लोगों की बनानी है इनको एनवायरमेंटल कमेटी, वो बनानी है इनको टू पर्सन की, तो इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टू पर्सन हैं, टू वुमेन हैं एंड थ्री मेन हैं, ये वाली तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर है, तो चलो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने जो चीज़ें दी है उसको पहले यूज़ कर लेते हैं क्लियर, और उसके बाद आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट हम लोग इसको कंसीडर कर देंगे कि M1 M2 एंड M3 बी योर थ्री मेंस क्लियर, तो लेट मेन इक्वल्स टू M1 M2 एंड M3 एंड फॉर वुमेन इट शुड बी W1 एंड W2 ताकि हम लोगों को सैम्पल सेट बनाने में आसानी जाए राइट। तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि सैम्पल सेट में इन्होंने बोला है कि कमिटी ऑफ टू इज टू बी फॉर्म्ड, क्या बोला था, अ कमिटी ऑफ टू इज टू बी फॉर्म, देयरफॉर सैम्पल सेट क्या आएगा, सैम्पल सेट S इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो पहले तो ये तीनों लिख दो, M1 के साथ आएगा W1, फिर M1 के साथ आएगी W2, फिर M2 आएगा क्लियर, M2 के साथ क्या आएगा W1 और M2 के साथ क्या आएगी W2, फिर आएगा M3 W1 M3 W2। अब मेन वुमेन की कमेटी बन गई,
अब तो भैया मेन मेन की भी तो बन सकती है, तो M1 M2 भी बन सकता है और M1 M3 भी बन सकता है, क्लियर। उसके बाद M2 M3 भी बन सकता है, क्लियर। अब ये हो गया, अब इसके बाद और क्या बन सकता है आपका, इसके बाद बन सकता है वुमेन 1 एंड वुमेन 2, तो लेडीज़ भी तो ले सकते हैं डायरेक्टली, उनको ज़रूरत ही रही तो आदमी की क्या ज़रूरत है, राइट। तो अब कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका सैम्पल सेट कितने का बन गया, 10 of S = 10। उन्होंने ये नहीं बोला है कि एक मेल और एक फीमेल चाहिए, एक मेन और एक वुमेन चाहिए, ऐसा बोला नहीं है। उन्होंने बोला है कमिटी ऑफ टू बोला है, तो उसमें दोनों वुमेन भी हो सकते हैं, दोनों मेन भी हो सकते हैं, या आपका मेन वुमेन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं आपके कंडीशंस के ऊपर। पहली कंडीशंस क्या दी थी उन्होंने, कंडीशन ए और इवेंट ए की कंडीशन क्या दी थी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन इन द मेंबर, ठीक है। इवेंट ए क्या आएगा, एटलीस्ट वन वुमेन इन द, ओके, एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर्स, नॉट इन द, तो वन वुमेन मेंबर। तो ए में पूरा पहला वाला कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये भी आएगा, लिस्ट वन बोला है तो 7 ये भी आएगा, क्लियर। तो M1 W1 M2 W1 M2 W1 M3 W1 M3 W2 and W1 W2, इसमें भी एक वुमेन है इसलिए ये लेंगे। तो एन ऑफ ए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एन ऑफ ए आ गया आपका 7। कितने हो गए टोटल, 7 इवेंट्स, ये इवेंट में 7 सैंपल सेट है। अब इवेंट बी क्या बोला है उन्होंने, इवेंट बी बोला है कि द नंबर फॉर्म सॉरी वन मेन एंड वन वुमेन कमिटी, राइट। सो वन मेन एंड वन वुमेन कमिटी। अब वन मेन एंड वन वुमेन कमिटी तो सिंपल ही है आपको, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो M1 W1, फिर M1 W2, फिर M2 W1, M2 W2, फिर M3 W1 एंड M3 W2, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, एन ऑफ बी कितना आ गया, ये हो गया 6, ये भी सिंपल था, क्लियर। अब देखते हैं लास्ट वाला क्या बोला था, देयर शुड नॉट बी वुमेन इन द मेंबर्स, राइट। तीसरा था इवेंट सी शुड नॉट बी वुमेन इन द मेंबर, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी वुमेन मेंबर्स, और वुमेन मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो क्या आएगा इसमें, सी इज इक्वल्स टू M1, M2 आया था, M1, M3 आया था, M2, M3 आए थे, राइट। Therefore, N of C is equals to क्या आ गया आपका, N of C equals to 3, बिकॉज यहाँ पे देखा था M1, M2, तो ये वाला था ना सिर्फ जिसमें सिर्फ मेल्स है, राइट। तो इस तरह से ये भी आंसर्स आपका हो गया, तो क्वेश्चन 5 भी आपका फिनिश हो गया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 6, चलो उसकी तरफ आते हैं। ओके, तो हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज सेइंग दैट वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखो ये हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया, वन डाई एंड वन कॉइन, राइट। तो इसका सैंपल सेट कैसा बनेगा, सबसे पहले तो वो है, तो कंडीशन के हिसाब से वन डाई एंड वन कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सैंपल सेट इज, राइट, क्या आएगा, S इज इक्वल्स टू। तो पहले तो आपने कॉइन थ्रो किया, तो H के साथ आएगा 1, फिर H के साथ आएगा 2, फिर H के साथ आएगा 3, H के साथ आएगा 4, H के साथ आएगा 5 एंड H के साथ आएगा 6, याद है हमने ये किया था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर आएगा टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, T3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वाला है इसलिए डायरेक्टली मैं आगे चल रहा हूँ। एंड एन ऑफ एस आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 6 12, क्लियर हो गया। देयरफॉर एन ऑफ एस आ गया 12। अब फर्स्ट कंडीशन, इवेंट वन क्या दिया है, इवेंट ए, इवेंट ए इन्होंने दिया है
कि टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, राइट, टू गेट हेड एंड एंड ऑड नंबर, राइट। तो ए इक्वल्स टू, अब इसमें हेड और ऑड नंबर्स कौन से हैं, देखो बोले इसमें हेड एंड ऑड नंबर्स कौन से हैं, राइट। तो वन टू थ्री, ओनली थ्री, सो एच एंड वन, एच एंड थ्री, एच एंड फाइव, राइट। इतने ही है, ये नीचे वाले लेंगे क्या, नहीं, बिकॉज देज आर टेल एंड ऑड नंबर्स, राइट, तो नहीं लेंगे, तो ये ही लेंगे, राइट। तो एन ऑफ ए क्या हो गया, एन ऑफ ए हो गया आपका थ्री, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इवेंट बी, इवेंट बी क्या दिया है इन्होंने, इवेंट बी दिया टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। अब यहाँ पे हेड और टेल है, राइट, टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, राइट। तो हेड एंड टेल एंड एन इवन नंबर, तो बी, अब देखो यहाँ पे हेड एंड टेल एंड एन इवन नंबर, तो हेड एंड टेल और इवन नंबर, तो एक दो तीन चार पाँच छः, बिकॉज वन टू सिक्स में सिर्फ तीन ही इवन नंबर है, तो वो तो वरी करने की बात ही नहीं है, सिर्फ हेड और टेल लगा दो, इतना सिंपल सैंपल सेट है। सिंपल है, हेड टू, हेड फोर, हेड सिक्स, टेल टू, टेल फोर एंड टेल सिक्स, एज सिंपल एज दैट। कितने हो गए, तो आपके इवेंट हो गए एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू सिक्स, क्लियर, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू सिक्स। अब लास्ट है इवेंट सी, क्या बोलता है इवेंट सी, इवेंट सी द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन सेवन एंड टेल ऑन द कॉइन। पहले क्या दिया है कि नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन सेवन, ऑब्वियसली आएगा नहीं, बिकॉज डाई में सिर्फ सिक्स तक नंबर रहते हैं, एंड टेल ऑन द कॉइन, तो ये टेल ऑन द कॉइन का तो सवाल ही नहीं आता, जब नंबर अपर सेवन का आएगा नहीं तो टेल ऑन द कॉइन का कोई बात आती है क्या, नहीं आती है, राइट। तब इसको लिखेंगे कैसा, ये इवेंट सी तो लिख दिया आपने, इवेंट सी जो है लिख देना, राइट। तो यहाँ पे आंसर में लिखो, एज देर इज नो नंबर, राइट, देर इज नो नंबर ग्रेटर देन सिक्स, ग्रेटर देन सिक्स ऑन अ डाई, राइट, एक डाई के ऊपर छः से बढ़कर नंबर नहीं होता है, राइट। देयरफॉर सी इज व्हाट, एन एम्प्टी सेट, याद है एम्प्टी सेट पढ़ा है ना, सी इज योर एम्प्टी सेट, एंड एन ऑफ सी क्या आएगा, एंड एन ऑफ सी क्या आएगा, एन ऑफ सी रहेगा आपका, एन ऑफ सी रहेगा आपका जीरो, क्लियर हो गया, ये तो एम्प्टी सेट आएगा और एन ऑफ सी रहेगा आपका जीरो, ओके। चलो इसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 भी ख़त्म हो चुका है, कल हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 की तरफ, और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट। तो दो से तीन दिन में हमें ये चैप्टर ख़त्म कर देना है, राइट। एंड तेजस, मेरे ख्याल से आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जो आपने पूछा था वो भी सॉल्व हो गया, कि अगर टू डाइस फेंकते हैं तो कितना होता है, क्लियर। चलो, हैव अ नाइस डे।